हाय एवरीवन, आज एक्सपायरी है तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। एक्सपायरी डे स्पेशल भले ही एपिसोड बना रहा हूँ, लेकिन इसे भी नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरह ही कंसीडर कीजिएगा। यहाँ से भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये वाली परफेक्ट ड्रॉ हुई है। ये मैं पेंट से ड्रॉ कर रहा हूँ, पर आप आपके सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कीजिएगा, अभी लैपटॉप से पॉसिबल नहीं है। फाइन, तो ये वाले जो लाइन है वो डेफिनेटली यहाँ पे ही जा रही है। यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्राइस चैनल में वो चल रही है। अभी कल हमें मिली ग्रीन कैंडल, राइट। अभी हो सकता है इसी चैनल में मूव हो, पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है, राइट, तो ये फॉल आ सकता है। कोई एक्सपायरी स्पेशल मीन्स आपको उसे नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन ही कंसिडर करना है, क्योंकि एक्सपायरी पे अगर ज़्यादा फोकस किया तो कई ट्रेडर ऐसे होते हैं दे ट्रेड ओनली ऑन एक्सपायरी डे, और कई होते हैं जो उसे उस दिन ट्रेड नहीं करते हैं। ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस होने वाला है तो वो एक्सपायरी के दिन भी होगा, कभी भी हो सकता है। ओके, तो ये वाला जो लो है, ये ग्रीन कैंडल का लो, द लो ऑफ यस्टरडे कैंडल, इट इज़ 17915 एंड वी आर मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। आज एक्सपायरी है दोस्तों, कई लोगों का करियर एक्सपायर भी हो जाएगा आज। ओके, जो लोग बहुत ही ओवर लीवरेज करते हैं, राइट, और स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई बन जाएगा। फाइन, अभी ये लो ब्रेक होते ही अगर इसके नीचे ओपन होता है तो कोई मतलब नहीं है, बट ये पेपर ट्रेडिंग के लिए है, दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अभी मैं आपको वर्चुअल एक चीज़ बताना चाहूँगा। मान लो कि यहाँ कहीं पर ओपन होता है, लो ब्रेक होता है, तो वहाँ से ट्रेड शुरू होता है। अभी यहाँ पर दो रास्ते हैं, आपको टारगेट रखना है, तो ज़्यादातर ये बॉटम आती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको डेली चार्ट है तो यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस विद द हाई ऑफ प्रीवियस कैंडल। ऐसे ऐसे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। या फिर दूसरा रास्ता है, आप टारगेट पे पहुँचना चाहते हैं तो प्रीवियस डे के हाई से तो रिवाइज कर ही सकते हैं, अदरवाइज वेट फॉर द ग्रीन कैंडल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस। मान लो टारगेट नहीं आता है और यहाँ कहीं पर ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो उसका हाई पे फिर एग्जिट कर लेना है, क्योंकि टारगेट है, आएगा ही आएगा, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस में तो नहीं आता है, या फिर मुझे नहीं आता है। ओके, तो ये रास्ता है, या फिर टारगेट मत रखो, ट्रेल करते जाओ। ओके, तो ये चैनल के बाहर निकलेगा तो क्या होगा आज देखते हैं। लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्योर टेक्निकल सिखाया जाता है। एक्सपायरी स्पेशल भले ही है, पर मैंने पहले ही बता दिया ये भी नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जैसा ही है। हमारा बर्थडे जो होता है उस दिन स्पेशल कुछ नहीं होता है, सिर्फ दो चार लोगों का कॉल आता है, राइट, फ्यू मिनट्स वी कैन फील, और ज़्यादा तो खर्चा हो जाता है इन्वेस्टमेंट के बजाय। ओके, बट ठीक है, मज़ा आता है, पर वो दिन है तो सभी के लिए कोई स्पेशल नहीं होता है, सिर्फ हमारे लिए रहता है। फाइन, तो यहाँ पर भी बर्थडे होता है, वो भी नॉर्मल होता है, और ये चीज़ भी नॉर्मल ही होती है, राइट। ट्रेड जनरेट हुआ, यानी करना ही करना है, राइट, आपका रिस्क जो है वो उसे मैनेज करना है। कई लोग ये लो के नीचे पेपर ट्रेडिंग के लिए पुट भी ले सकते हैं। पुट अगर लेना है तो इसके जो लो है नज़दीकी स्ट्राइक प्राइस दीजिएगा, राइट, जितना हो सके इन द मनी ट्राई कीजिए या एट द मनी। फाइन दोस्तों, तो एक्सपायरी में मिलते हैं, एंजॉय कीजिएगा। अगर लाइव मार्केट में कुछ अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।